जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्केट में आ चुका है iPhone XS, XS Max और XR। तीनों के तीनों फोन एक साथ मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं, बट अगर देखा जाए दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसा खास सिमिलर देखने को मिलता नहीं है, इतना कुछ खास। अगर इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जाएं तो देखने को नेटवर्क में वही सेम चीज़ मिलेगी, GSM, CDMA और LTE टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क में मिलती है। अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो सेम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5.10 इसकी साइज़ मिलेगी, जो डिस्प्ले सुपर एलमोड के साथ 16M कलर के साथ। तो दोस्तों, रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1125x2436 का इसका रेजोल्यूशन देखने को मिलता है मल्टी टच के साथ। प्रोटेक्शन भी मिल जाती है इसके अंदर स्क्रेचलेस रेजिडेंट ग्लास के साथ, और कुछ फीचर जो है डेवली वर्जन, वाइट कलर, ग्रेमटी डिस्प्ले, 3D टच डिस्प्ले, ट्रू टोन डिस्प्ले, तो ये सारी की सारी चीज़ अगर डिस्प्ले में देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ इसके अंदर मिल जाता है आपको। अगर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग की सिस्टम बात की जाए तो आपको iOS 12 मिलता है, इसका चीपेस्ट एप्पल A12। तो GPU CPU सेम वही चीज़ मिलती है आपको, इतना कुछ चेंजिंग नहीं है, ना इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। और इंटरनल जो आपको मिलेगा, तीन अलग अलग मिलेंगे देखने के लिए, 64, 256, 256 और 512 GB। साथ में मिलेगा तीनों के तीनों, अगर आप ले लेते हैं इंटरनल में कोई सा भी, तो 4GB रैम सब में आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूअल इसमें मेन कैमरा जो आपको मिलेगा, ड्यूअल कैमरा जो बैक साइड कैमरा आपका होगा, 12 MP कैमरा 1.8 के साथ। तो आपको फ्रंट कैमरा देखने को जो मिलेगा दोस्तों, 7 MP के साथ मिलेगा। फीचर कैमरा जो है HDR है, फुल HD आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और लाउड स्पीकर भी आपको मिल जाएगा विद सेंसर स्पीकर के साथ। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेशन भी इसमें माइक मिल जाता है, और वाईफाई भी आपको मिल जाएगा ड्यूअल ब्रांड हॉटस्पॉट के साथ। ब्लूटूथ तो अगर देखा जाए वर्जन 5.0 मिलता है आपको, GPS भी मिल जाएगा इसके अंदर ग्लॉन्स, और USB भी इसमें सपोर्टेड है। बट इसके अंदर आपको अगर बात की जाए सेंसर की तो फेस ID आपको मिल जाएगा इसमें, गेरो प्रॉक्सी कॉम्पास ब्रोमीटर्स। और मैसेजिंग में वही सेम चीज़ आपको मिलेगी देखने को दोस्तों, आई मैसेज, SMS, MMS, ईमेल, पुश ईमेल समथिंग। अब ब्राउजर्स की बात की जाए तो अगर इसमें ब्राउजर्स जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा HTML5 सफारी जो ब्राउज़र अभी तक आपको मिलता आ रहा था। फास्ट बैटरी चार्जिंग का दावा किया गया है, जो कि 30 मिनट के अंदर 50% आपका इस आईफोन को चार्ज कर दिया जाएगा, और क्यों वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर दे दी गई है। तो दोस्तों, खास मतलब आईफोन में इतना कुछ अपडेट अभी तक आया नहीं है, कुछ चीज़ें सिमिलर जो है अपडेट होकर आई है तीनों के तीनों फ़ोन में। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ज़्यादा कुछ है, बस कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि दोस्तों उसको लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। अगर आपका मन भी है तो आप बजट में जाइए, 6S प्लस भी आप ले लेते हैं बजट में तो वो ठीक है। तो दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कैसा लगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ राय रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ में एक लाइक ज़रूर ठोक देना इस चैनल के ऊपर, और बेल घंटे पर भी क्लिक कर देना लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों, जिससे कि आप मिस ना कर सकें हमारी कोई भी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।